दोस्तों फिर से आप लोगों के लिए एक ऐसा लोन एप्लीकेशन लाया हूँ जहाँ से आप लोग 1,000 से लेकर आप लोग 10,000 तक का लोन ले सकते हो। अगर आपका सिविल स्कोर कम है या फिर आपका सिविल स्कोर जेनरेट नहीं हुआ है तो भी आप लोगों की इस एप्लीकेशन के थ्रू 101% जो है आप लोगों को गारंटी के साथ बता सकता हूँ आप लोगों को लोन मिलेगा। आप लोगों को सारा कुछ प्रोसेस दिखाने वाला हूँ क्योंकि जिसने भी अप्लाई किया है उनको 2,000 का लोन मिला है और यहाँ पर उनका सिविल जो है 579 का है। तो यहाँ पर जिस भी बंदे ने अप्लाई किया था उनका सिविल जो है लो है, यहाँ पर उनको जो है 2,000 तक का लोन मिला है, 10,000 तक का लोन मिलेगा। एज पर सिविल कितना क्या है, कैसे देगा, कौन सा एप्लीकेशन है, सारा कुछ आप लोगों को डिटेल वाइज बताऊंगा, प्रोसेस वाइज बताऊंगा। आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखिए थोड़ा सा टाइम निकाल के, नहीं तो आप लोगों को सही तरीके का इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा और आप लोग जब अप्लाई करने जाओगे तो रिजेक्शन ही मिलेगा। तो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखो। दोस्तों अगर आप लोगों का सिविल कम है या फिर सिविल स्कोर जेनरेट हुआ ही नहीं है, कभी भी आपने लोन अप्लाई नहीं किया है, आज इस वीडियो में एक ऐसा लोन एप्लीकेशन के डिटेल्स आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है। आप लोगों को लोन मिलेगा 1,000 से 10,000 तक, आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा, 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर जिस भी भाई ने लोन के लिए अप्लाई किया है उसका सिविल कम है, उसका सिविल भी जो है कम है और उसको मिला है कितना अमाउंट वो आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोगों को वीडियो पूरा एंड तक देखने को मिलेगा क्योंकि ये जो भी स्क्रीनशॉट देखने को मिल रहा है ऑलरेडी जो है उसने लोन लिया था पहले, उसका जो है यहाँ पर प्रूफ है। अब जो है नेक्स्ट कितना मिल सकता है, कितना कैसे अप्लाई करना है आपको, वो आप लोगों को बताऊंगा, डिटेल वाइज आप लोगों को समझाने वाला हूं, क्योंकि स्टेप्स अगर आप थोड़ा सा भी मिस कर देते हो तो आप लोगों को सही तरीके से अप्लाई भी नहीं कर पाओगे आप लोग और बाद में रिजेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है सिविल के बेसिस पर ही लोन प्रोवाइड करते हैं। यहां पर एक ऐसा पहला एप्लीकेशन है जो कि सिविल जो है स्कोर जनरेट नहीं भी है, नहीं भी अगर सिविल स्कोर तो भी आप लोगों को लोन यहां पर मिलेगा 1,000 से 10,000 के बीच में, कुछ भी आप लोगों को लोन मिल सकता है एज पर सिविल। अगर सिविल अच्छा है थोड़ा सा तो आप लोगों को और भी ज्यादा मिलने का चांसेस है। तो कौन सा ये लोन एप्लीकेशन है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सारा कुछ आप लोगों को डिटेल वाइज समझाऊंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए बिना स्किप किए। दोस्तों अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर जो भी लोन एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जो भी डिटेल्स आप लोगों को देने वाला हूं, आखिर ये लोन एप्लीकेशन है कौन सा, ये लोन एप्लीकेशन किस तरीके से लोन प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा चीज है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है, वो आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले जो स्क्रीनशॉट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर यू कैन करेंटली बोरो 2,000 का जो है उनको अमाउंट मिलने वाला मिला है, यहाँ पर बोला जा रहा है 1,000 से 10,000 के बीच में मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो 91 डेज के लिए है, यहाँ पर 0.04% का जो है यहाँ पर डेली रेट जो है यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये लोन एप्लीकेशन का थोड़ा सा डिटेल हम देख लेते हैं, ठीक है। तो डिटेल में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये लोन एप्लीकेशन आखिर है कौन सा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 4 का रेटिंग्स है और 5 मिलियन से ज्यादा जो है डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुका है। तो ये लोन एप्लीकेशंस में आप लोगों को अगर मानो अबाउट एप्लीकेशन में चलते हैं, कुछ लेंडिंग प्लेटफॉर्म आप लोगों को देखने को मिलेगा, कौन से लेंडिंग प्लेटफॉर्म इसके साथ जो है जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी लेंडिंग पार्टनर्स का नाम है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहला नाम आ रहा है ममता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा जो नाम आ रहा है पे मी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा जो नाम आ रहा है ट्रांजेक्ट्री ऐसा कुछ है, ट्रांजेक्ट्री टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, एनडीएक्स पी2पी प्राइवेट लिमिटेड, फिन करवी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ऐसा कुछ नाम है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर लोन आप लोगों को कितना मिलने वाला है, क्या आप लोग किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हो वो दिखा देता हूँ। देखिए अगर आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करने के बाद अगर ओपन करते हो तो सबसे पहला इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा परमिशंस। तो परमिशंस आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर कैमरा परमिशन मांग रहे हैं, मीडिया स्टोरेज परमिशन मांग रहे हैं, लोकेशन परमिशन मांग रहे हैं, फाइनेंशियल SMS परमिशन मांग रहे हैं। अब आप लोगों को डर लग सकता है कि भाई परमिशन वगैरह ले रहे हैं स्टोरेज का, कुछ ऐसा होगा, देखिए NBFC है, डरने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के साथ कुछ गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बाय कंटिन्यू यहाँ पर जो टिक है उसको क्लिक करके एग्री करते हो तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर डालने के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर कौन सा डालना है, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है वही मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, आपका खुद का मोबाइल नंबर डाल रहे हो और आधार कार्ड किसी दूसरे नंबर पर ऐड है वो नहीं होगा, आधार कार्ड का मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा और गेट OTP करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गेट OTP करने पर आपके पास जो OTP आएगा, OTP आने के बाद आप लोग उसमें नेक्स्ट प्रोसीड करोगे, तो नेक्स्ट प्रोसीड के बाद आप लोगों का ईमेल आईडी जो है वेरीफाई करेगा, जो कि क्लिक हियर टू कंटिन्यू गूगल का जो है जो भी ईमेल है उसको आप वेरीफाई करोगे। तो वेरीफाई करने के बाद उसका भी एक OTP आएगा, उसका OTP यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों के जो नेक्स्ट पेज में आएगा सक्सेसफुली जो है साइन इन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक MPIN सेट करना पड़ेगा, जैसे आप फोन में सेट करते हो ना पासवर्ड, उसी तरीके से कुछ नंबर्स का डिजिट जो है यहाँ पर आपको सेट करना पड़ेगा जो कि 6 डिजिट का होने वाला है। ऐसा नहीं कि आप लोग 11111 या फिर 0000 ऐसा जो है 1 2 3 4 5 6 ऐसा डालना नहीं है, एक रैंडम पैटर्न डालना है, ठीक है। ऐसा जो है कंटिन्यूअसली पैटर्न नहीं डालना है, कुछ भी आप नंबर वहाँ पर डाल सकते हो लेकिन याद रखना है, नहीं तो आप लोग बाद में खोल नहीं पाओगे उसको।
ठीक है। तो उसके बाद कंटिन्यू क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आएगा यहाँ पर प्रोवाइड योर पैन। तो पैन का जो है यहाँ पर नंबर डालना पड़ेगा, एंटर पैन नंबर डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद वेरीफाई योर आधार, आधार जो है वो वेरीफाई करेगा यहाँ पर। तो आधार का नंबर डालना है, गेट ओटीपी करना है। अब यहाँ पर गेट ओटीपी करने पर जो भी आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक है उसी नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है लेट्स असाइन योर क्रेडिट लिमिट। यहाँ पर जो भी है आपका क्रेडिट लिमिट जो है वो चेक करेगा। ऐसा नहीं कि आपका क्रेडिट लिमिट चेक कर रहा है इसका मतलब आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो भी है क्राइटेरिया है, अगर सिविल स्कोर नहीं भी है तो भी आप लोगों को लोन मिलने वाला है। तो सबसे पहला नाम आपको देना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, यहाँ पर एंटर फुल नेम देना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको देना पड़ेगा, पैन कार्ड का नंबर आपको डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, जेंडर डालना पड़ेगा, मेल फीमेल अदर्स जो भी है आप डाल सकते हो। उसके बाद इसको टिक करना पड़ेगा, असाइन क्रेडिट में क्लिक करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है 10,000 का जो है यहाँ पर अप टू लिखा हुआ है, यू आर एलिजिबल फॉर लोन्स अप टू 10,000, 10,000 तक का लोन मिलने वाला है, कॉन्ग्रेचुलेशन का ऐसा पेज आएगा। और कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएगा जहां पर पूछा जा रहा है, मतलब बोला जा रहा है कि अवेलेबल जो लिमिट है वो 10,000 है। आप लिमिट के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते हो, और अगर इंक्रीज करना चाहते हो लिमिट को तो इंक्रीज लिमिट में आप क्लिक कर सकते हो। तो अप्लाई नाउ में अगर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स मांगा जाएगा, जहां पर आपका अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, री एंटर जो है अकाउंट नंबर, जो भी आप अकाउंट नंबर डाल रहे हो उसी का जो है अकाउंट नंबर फिर से आपको डालना पड़ेगा, IFSC कोड डालना पड़ेगा, फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में एक एग्रीमेंट आएगा जहां पर ई साइन किया जाएगा या फिर ई मैंडेट किया जाएगा, दोनों में जो है एक ही चीज़ है, कुछ भी कर सकते हो। यहां पर आप लोगों को किस तरीके से ई मैंडेट और ई साइन का चीज़ क्या है वो मैं बता देता हूं। मानो कि आप लोन ले रहे हो, आप लोगों को पता है ECS eNACH का सर्विस जो है वो एक्टिवेट करा लेते हैं। इससे क्या होता है आप लोगों को मैनुअली पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो जो है ऑटोमेटिकली अपने बैंक अकाउंट से काट लेता है, और जो भी डेट दिया होता है उसी डेट में जो है वो डिडक्ट होता है। तो उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में लेके नहीं जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू करोगे तो की फैक्ट स्टेटमेंट्स, मतलब एक लोन एग्रीमेंट जो है तैयार होकर आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर सारा डिटेल्स दिखाएगा जो आपने फिल किया है, कितना लोन कितना क्या है, डिटेल्स सब कुछ लिखेगा यहाँ पर। अब आई हैव एग्रीड जो है इसको करना है, ठीक। कंटिन्यू में क्लिक करने पर आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में देखने को मिल रहा है कि ईनेच का जो सर्विस है उसको जो है कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू, वी अप्रिशिएट योर फीडबैक रिस्पॉन्स, लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्व यू अगेन। तो ये जो भी है आप लोगों को डायरेक्टली जो है लोन प्रोवाइड कर देगा 10,000 का, या फिर जो भी एज पर सिविल आपको लोन मिल जाएगा। अब ये लोन एप्लीकेशन है कौन सा वो आप लोगों को जानना जरूरी है। आप लोगों को लग रहा है कि भाई लोन एप्लीकेशन तो बताओ, मैं अप्लाई करूंगा कैसे? तो लोन एप्लीकेशन का नाम है पे मी इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग प्ले स्टोर में डायरेक्टली अगर सर्च करोगे तो ये एप्लीकेशन अभी के टाइम में लोगों को प्रोवाइड कर रहा है लोन। अगर आपका सिविल स्कोर जनरेट नहीं भी हुआ है तो भी मिलेगा, लो सिविल स्कोर है तो भी मिलेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को सारा कुछ डिटेल वाइज बताया, स्टेप बाय स्टेप जो भी मैंने बताया उसको फॉलो करके आप लोगों को एंड तक प्रोसेस को फॉलो करना होगा, डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगा लोन। 100% गारंटी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।